हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2020 में ही रिलीज हुई मूवी क्यूपिड। ये एक अलग ही तरह की हॉरर फिल्म है। आज तक आप क्यूपिड को कुछ ऐसे जानते थे, लेकिन इस मूवी में क्यूपिड कुछ ऐसा दिखाया गया है। और चिंता मत करिए, क्योंकि उसके ऐसा बनने का कारण भी आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। क्यूपिड की स्टोरी आपने पहले भी सुनी होगी। क्यूपिड दो रोमन गॉड्स का बेटा था। उसकी मदर थी वीनस, द गॉडेस ऑफ लव, ब्यूटी एंड फर्टिलिटी, और उसके डैड थे मार्स, द गॉड ऑफ वॉर एंड जस्टिस। क्यूपिड भी एक रोमन गॉड था जो लव को प्रोटेक्ट करता था, और एक दिन उसे खुद भी प्यार हो गया द गॉडेस ऑफ सोल साइकी से। लेकिन इससे उसकी मदर जेलस हो गई, क्योंकि साइकी बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसके जितनी ब्यूटी किसी के पास नहीं थी। जलन के मारे उसने उन दोनों के प्यार को डिसअप्रूव कर दिया और दोनों का मिलना बंद कर दिया। क्यूपिड के लिए साइकी ने उसके हाथ पैर जोड़े, तब वीनस उन्हें इटरनल लव ग्रांट करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन एक शर्त पर। उसने साइकी को 3 टास्क पूरे करने के लिए दिए थे जो कि इम्पॉसिबल थे। साइकी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और टास्क पूरे करने के लिए चली जाती है। वीनस पूरी तरह से श्योर थी कि साइकी अब जिंदा वापस नहीं आएगी, लेकिन क्यूपिड के लिए वो किसी तरह तीनों टास्क को पूरा कर आई थी। अब फाइनली वो क्यूपिड से मिलने वाली थी, लेकिन वो कासल के डोर तक भी नहीं पहुंच पाती और बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर अब जान बिल्कुल भी नहीं बची थी। क्यूपिड उसे उठा लेता है और वो अपने एरो की एनर्जी से उसे बचाने की कोशिश करता है, और यहीं से ये पूरी कहानी पलट जाती है। लोगों को लगता है कि क्यूपिड ने साइकी को बचा लिया था और इसके बाद वो खुशी खुशी एक साथ रहने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। असली कहानी बहुत डार्क है। क्यूपिड साइकी को नहीं बचा पाया था क्योंकि उसकी मदर ने उसके एरो पर जहर लगा दिया था, और अनजाने में उसने खुद ही साइकी को मार डाला। साइकी को मरा देखकर वो गुस्से से भर गया और सभी लोगों को मारने लगा। उसने कसम खाई कि वो कभी भी लव को अलाउ नहीं करेगा। अगर उसे प्यार नहीं मिल सका तो किसी और को भी वो नहीं मिलने देगा। गुस्से से भरा क्यूपिड अंडरवर्ल्ड में चला जाता है, जहां वो मिलता है गॉड ऑफ डेथ से। बदला लेने के लिए क्यूपिड ने उससे मदद मांगी। उसने क्यूपिड के दिमाग में डार्कनेस भर दी, जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता था। अब क्यूपिड एक डीमन बन चुका था, जिसे उन सब लोगों से नफरत थी जो प्यार का मिसयूज करते थे। हर साल सही हालातों के अंदर क्यूपिड को समन किया जा सकता है, उन लोगों को मारने के लिए जो लव को अब्यूज करते हैं। तो ये थी इस डीमन क्यूपिड की ओरिजिन, जो कि हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो अब शुरू करते हैं मूवी की स्टोरी। मूवी शुरू होती है वैलेंटाइंस डे के दिन, और हम देखते हैं एक आदमी को जो कि किसी लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में डेट पर आया था। इस आदमी का अभी डिवोर्स हुआ है और इसकी सैंडी नाम की एक बेटी भी है, जो कि ऑलमोस्ट इसी लड़की की एज की है जिसके साथ ये डेट पर आया है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका डिवोर्स क्यों हुआ है। वो पूरा टाइम बस अपनी अमीरी की ही बात कर रहा था, जिससे वो लड़की भी पक गई थी। वो वॉशरूम का बहाना बना के उससे पीछे छुड़ाती है। उसके जाने के बाद वो अपना फ़ोन चेक करता है और देखता है कि उस पर सैंडी की 12 मिस कॉल्स आई थी, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता है। तभी सैंडी वहाँ खुद ही पहुँच जाती है। वो उसे कहता है कि वो बिजनेस मीटिंग में आया है, लेकिन सैंडी उसके ऊपर जासूसी करने नहीं आई थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, और उसे होना भी चाहिए था, क्योंकि डिवोर्स की वजह से वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, इसलिए उसने क्यूपिड को समन कर दिया। लेकिन अब वो अपने फैसले को बुरी तरह रिग्रेट कर रही थी, क्योंकि क्यूपिड ने उसकी मॉम के साथ साथ उसके सारे फ्रेंड्स को भी मार डाला। उसकी बातें सुनकर उसका डैड उसे बाहर ले जाता है। बाहर उसे वही लड़की मिलती है जिसके साथ वो डेट पर आया था। वो उससे बचकर वहां से जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाती, आसमान से एक एरो आता है और उसकी आंख में घुस जाता है, जिससे वो मर जाती है। वो दोनों देखते हैं कि आसमान में क्यूपिड उड़ रहा था। वो दोनों उससे जान बचाकर भागते हैं और जंगल में पहुंचकर वो सोचते हैं कि क्यूपिड को वो पीछे ही छोड़ आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यूपिड सीधा उसके डैड के पैर में एरो मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है, और इसके बाद वो उसी एरो के ऊपर सैंडी का सर दे मारता है। सैंडी को मारने के बाद वो उसके डैड का दिल बाहर निकाल लेता है। यहाँ में डीमन क्यूपिड का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि डीमन बनने के बाद वो कैसा दिखता है और वो क्या क्या कर सकता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और सीधा पहुंचती है एक साल बाद, अगले वैलेंटाइंस डे से 2 दिन पहले। हम देखते हैं फे को, जो कि ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रही थी। वो अपने स्कूल टीचर मिस्टर डंकन जोन्स को पसंद करती थी, और उसे पाने के लिए वो कई तरह के स्पेल्स बोलती थी और रिचुअल भी करती थी, ताकि वो भी उससे प्यार करने लगे। लेकिन डंकन अपनी फेलो टीचर मिस हेलन ड्रेक को डेट कर रहा था। वो दोनों स्कूल में साथ बैठे थे, तभी मिस सिमंस उनके पास आती है और डंकन को बताती है कि उसकी एक स्टूडेंट के बालों में च्युइंगम फंस गई है। वो स्टूडेंट थी फे, जो कि अपने इकलौते फ्रेंड मैट के साथ उस च्युइंगम को निकालने की कोशिश कर रही थी। उसके बालों में वो गम चिपकाई थी उसकी क्लासमेट एलिस ने, और इसका एक रीज़न भी है। फे के डैड की एक साल पहले मौत हो गई थी, और अब उसकी मॉम एलिस के डैड को डेट कर रही है।
एलिस अपने पेरेंट्स के डिवोर्स की वजह फे की मॉम को मानती है और उनके ऊपर तो वो गुस्सा उतार नहीं सकती, इसलिए वो फे से बदला ले रही है। डंकन फे के पास जाता है और उसे पता चलता है कि ये एलिस ने किया है। वो एलिस से मिलता है और उसे समझाता है, लेकिन वो आसानी से समझने वाली लड़की नहीं थी। डंकन अपनी क्लास में पढ़ा रहा था और वो एलिस से एक सवाल पूछता है जिसका जवाब उसे ऑब्वियसली नहीं पता था, और सारे स्टूडेंट्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं जिनमें फे भी शामिल थी। वो सोच रही थी कि उसका ब्लैक मैजिक स्पेल काम कर रहा है क्योंकि डंकन उसकी तरफ थोड़ा मेहरबान हो रहा था, लेकिन ये सब एलिस को पसंद नहीं आ रहा था। वो डंकन का फ़ोन चुरा लेती है और स्कूल के बाद वो उससे फे को टेक्स्ट करने लगती है। फे सोचती है कि उसका स्पेल काम कर गया और डंकन उसके प्यार में पड़ चुका है। वो भी बहुत खुश होकर उसे रिप्लाई करती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एलिस क्या करने वाली है। वो फे को क्लासेस ख़त्म होने के बाद मिलने के लिए बुलाती है और फे इसके लिए राज़ी हो जाती है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एलिस उससे एक पिक्चर मांगती है। फे उसे एक सेल्फी भेज देती है, लेकिन वो उसे कुछ ज़्यादा करने के लिए कहती है। तब वो बिना शर्ट की सेल्फी उसके पास भेजती है, जिसे देखकर एलिस और उसके फ्रेंड्स फे का मजाक बना रहे थे। अगले दिन स्कूल में फे को लॉकर में एक रोज़ और एक नोट मिलता है जो कि एलिस ने ही रखा था। फे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी डंकन से मिलने के लिए। मैट उसके पास आता है और उससे कल होने वाले वैलेंटाइंस डांस के लिए पूछता है, लेकिन फे उसे मना कर देती है। इधर हमें पता चलता है कि एलिस असल में क्या प्लान कर रही है। उसने फे को उस वक्त डंकन के ऑफिस में बुलाया है जब डंकन अकेला वहाँ पेपर चेक कर रहा होगा, और एलिस उन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर लेगी जिसे वो इंटरनेट पर भी अपलोड कर सकती है। क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं और फे डंकन के ऑफिस में पहुँच जाती है। वो उससे वैसे ही बात कर रही थी जैसे उसने कल टेक्स्ट में की थी, और एलिस ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। डंकन को भी फे का बर्ताव अजीब लग रहा था। वो उसे घर जाने के लिए कहता है, तभी वो उसे किस कर देती है। अब यहाँ सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो जाता है और डंकन को कुछ समझ नहीं आता। वो फे को दूर हटा देता है। एलिस ये सब शूट करके वहाँ से भाग जाती है। फे भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। वो घर जाकर अपनी ब्लैक मैजिक वाली बुक चेक करती है कि उसने क्या गलत किया। वो देखती है कि वो ऑलरेडी सारे लव स्पेल्स यूज़ कर चुकी है और अब सिर्फ एक ही स्पेल बचा था जो कि था लव को डिस्ट्रॉय करने वाले को बुलाने वाला। फे बहुत परेशान थी, लेकिन वो उस स्पेल का यूज़ नहीं करती। अगले दिन वैलेंटाइंस डे था और स्कूल में फे को भी एक वैलेंटाइन कार्ड मिलता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो किसने दिया है, इसलिए वो उसे फाड़ देती है। डंकन क्लास में पढ़ा रहा था तभी उसके पीछे स्क्रीन पे वही वीडियो चल जाती है जो एलिस ने रिकॉर्ड की थी, और उसमें किस वाला सीन लूप पर चल रहा था। ये देखकर फे क्लास से भाग जाती है और डंकन की भी सांसें रुक चुकी थी क्योंकि इसके लिए वो सस्पेंड भी हो सकता था। फे क्लास से बाहर निकलती है और देखती है कि हॉल में उसकी वही फोटोज लगी थी जो कि उसने डंकन के फ़ोन पर सेंड की थी। यहाँ एलिस आकर उसके जले पर नमक छिड़कने लगती है, लेकिन इस बार फे चुप नहीं रहने वाली थी। वो एलिस को स्लैप कर देती है और यहाँ उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। दोनों टीचर्स वहाँ आकर उन्हें छुड़ाते हैं और डंकन उनका वैलेंटाइंस डांस कैंसिल कर देता है। फे भागकर साइंस लैब में जाती है और वहाँ वो उस लव डिस्ट्रॉयर को समन करती है। वहाँ पर गॉड ऑफ डेथ पहुँच जाता है जो फे से पूछता है कि उसे क्यों बुलाया गया। फे उसे पूरे स्कूल से प्यार मिटा देने के लिए कहती है। वो उसकी विश सुन लेता है और कहता है कि वैलेंटाइंस डे खत्म होने तक इस स्कूल से प्यार मिटा रहेगा, लेकिन फे उसे कहती है कि वो हमेशा के लिए स्कूल से प्यार मिटाना चाहती है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता हैं, और वो उसे हाँ कर देती है जबकि उसे कुछ भी नहीं पता था। फे गुस्से में थी और उसे ये काम करना था। वो उसकी विश पूरी कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। एलिस और फे को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और प्रिंसिपल हैरिस उन्हें पनिशमेंट देता है। उन्हें कैंसिल हुए वैलेंटाइन डांस की डेकोरेशन उतारनी थी। मिस हेलन उन्हें डांस हॉल में लेकर जाती है, लेकिन उनकी एक साथी लीना वहाँ नहीं थी, वो बाथरूम में थी, और क्यूपिड भी वहाँ पहुँच चुका था। वैसे अगर लीना थोड़ा मेकअप कर ले तो वो क्यूपिड को भी डरा दे क्योंकि वो बिल्कुल वैलक लगती है। लीना को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो वॉल से कान लगाकर सुनती है। तभी क्यूपिड अपना बो चला देता है और एरो सीधा उसके कान में घुस जाता है। वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है, लेकिन क्यूपिड उसे पकड़ लेता है। वो उसकी बॉडी पे से हार्ट शेप में स्किन उतार लेता है। उधर वो सब डांस हॉल में पहुंच चुके थे और वहाँ पर मैट भी था जो कि फे की हेल्प करने के लिए रुका था। उन्हें वहाँ टेबल पर कुछ हार्ट शेप कुकीज़ रखे मिलते हैं जिन्हें वो खा लेते हैं, और उनका टेस्ट उन्हें चिकन जैसा लगता है। आपको तो पता ही है कि कुकीज़ कहाँ से आए हैं। एलिस के पास उसके बॉयफ्रेंड ब्रैड का फ़ोन आता है जो कि स्कूल के बाहर उसे लेने आया था। एलिस मिस हेलन के मना करने पर भी वहाँ से चली जाती है। तब मिस हेलन जल्दी से जाकर प्रिंसिपल हार्पर को ये सब बता देती है। प्रिंसिपल उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो जल्दी से बाहर जाकर कार में बैठ जाती है। वो सोच रही थी कि वो फ्री हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, उनकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। प्रिंसिपल जाकर बिल्कुल कार के सामने खड़ा हो जाता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। ये सब मिस हेलन भी देख रही थी। अचानक वो सब आसमान में कुछ नोटिस करते हैं।
वो क्यूपिड था जो उन्हें हैरान होने का मौका भी नहीं देता। वो प्रिंसिपल की आंख में एरो मारकर उसे खत्म कर देता है। ब्रैट और एलिस जल्दी से स्कूल के अंदर जाते हैं, लेकिन उनके अंदर पहुंचने तक क्यूपिड ब्रैट को दो एरो मार देता है। हेलेन सीधा डंकन के पास जाती है क्योंकि उसका फोन काम नहीं कर रहा था, लेकिन डंकन के फोन का भी वही हाल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने बाहर क्या देखा, इसलिए वो किसी को समझा भी नहीं सकते थे। लेकिन ब्रैट की हालत देखकर उन्हें इतना तो पता चल चुका था कि वो बहुत बड़े खतरे में है, और फे भी समझ चुकी थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने गुस्से में प्यार खत्म करने की विश तो मांग ली थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि क्यूपिड सीधा लोगों को ही खत्म कर देगा। डंकन ब्रैट को एग्जामिन करता है और वो देखता है कि उस तीर से किसी तरह का जहर निकल रहा था जो उसकी बॉडी में फैल कर उसके दिल तक पहुंच चुका था। अब ये वही जहर होगा जो क्यूपिड की मदर ने उसके एरो पर लगाया था। डंकन सभी बच्चों को मिस सिमंस के साथ वहां से भेज देता है ताकि वो ब्रैट की हालत देखकर पैनिक ना कर जाएं। डंकन पूरी कोशिश करता है लेकिन वो ब्रैट को नहीं बचा पाता। उधर वो सब डांस हॉल में चले जाते हैं और उनके वहां पहुंचते ही स्क्रीन पर एक धड़कता हुआ दिल दिखने लगता है। ये दिल हम मूवी के स्टार्ट में भी देख चुके हैं जब सैंडी अपने डैड के पास रेस्टोरेंट में गई थी। फे और मैट वहां पर नहीं थे क्योंकि मैट बाहर फे से पूछ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। उसे लग रहा था कि फे कुछ तो जानती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। वो दोनों भी हॉल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एक चीज नोटिस नहीं करते, क्यूपिड उनके पीछे ही खड़ा था। वो अपना एरो निकालता है जिसे देखकर वो सब भागने लगते हैं और यहाँ वो सब अलग अलग हो जाते हैं। क्यूपिड मिस सिमंस को भी मार देता है और उसे बचाने के चक्कर में मैट के हाथ में भी एरो घुस जाता है। फे उसे लेकर वहां से भाग जाती है। एलिस और डैरिल साइंस लैब में पहुंचते हैं जहां उन्हें फे की ब्लैक मैजिक वाली बुक मिलती है और वो समझ जाते हैं कि ये सब फे का किया धरा है। उनकी फ्रेंड ब्रिट उनसे अलग हो चुकी थी और इसका फायदा उठाकर क्यूपिड उसे भी मार देता है, रोज इससे उसका गला चोक करके। उधर मैट के हाथ पर भी वो जहर फैलने लगा था और मरने से पहले वो फे को बताता है कि उसे जो वैलेंटाइन कार्ड मिला था वो मैट ने ही भेजा था। वो उसे पांचवी क्लास से पसंद करता है, लेकिन उसे डंकन के अलावा कभी कुछ दिखा ही नहीं। अब फे सब जान चुकी थी और फाइनली वो मैट को वो मैजिकल वर्ड्स बोलती है कि वो उसके छोटे भाई जैसा है। वहाँ उन्हें लीना की डेड बॉडी मिलती है और उन्हें पता चलता है कि वो कुकीज किस चिकन के बने थे। तभी हेलेन और डंकन वहाँ पहुँच जाते हैं और मैट का हाथ देखकर डंकन कहता है कि वो उसे बचा सकता है। वो सब भी साइंस लैब में जाते हैं जहाँ एलिस सबको बता देती है कि ये सब फे ने किया है। अब फे एडमिट करती है कि उसने ब्लैक मैजिक का यूज़ करके क्यूपिड को समन किया है और अब जो मैट मरने वाला है वो भी सिर्फ फे की वजह से। एलिस और डैरिल वहाँ से चले जाते हैं ब्रिट और लीना को ढूंढने। मैट को बचाने के लिए डंकन उसका हाथ काटने वाला था ताकि जहर उसके दिल तक ना पहुंच सके, वायरस को फैलने से रोकने वाली मोस्ट कॉमन टेक्निक। उधर एलिस और डैरिल डांसिंग हॉल में पहुंचते हैं जहां क्यूपिड उन पर हमला कर देता है। एलिस डैरिल को छोड़कर वहां से भाग जाती है और क्यूपिड उसे मार देता है। इधर डंकन मैट का हाथ काट कर उसकी जान बचा लेता है। फे उससे सब कुछ कन्फेस करती है कि कैसे वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का यूज़ करती थी ताकि वो उसके प्यार में पड़ जाए। डंकन को भी इस सब की चिंता नहीं थी, वो उसे पूछता है कि क्यूपिड को कैसे रोका जा सकता है। फे कहती है कि उसे रोका नहीं जा सकता, वो वैलेंटाइंस डे के ख़त्म होते ही चला जाएगा। डंकन देखता है कि वैलेंटाइंस डे ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। जिंदा रहने के लिए उन्हें सिर्फ 10 मिनट तक छुपे रहना था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। डंकन और फे मैट के लिए टावर्स लेने जाते हैं और रास्ते में उन्हें एलिस भी मिल जाती है, लेकिन उनके जाते ही क्यूपिड हेलेन के पास पहुंच जाता है। उन्हें हेलेन की चीख सुनाई देती है और वो जल्दी से वापस जाते हैं। हेलेन को ढूंढते हुए वो डांस हॉल में पहुंचते हैं जहां क्यूपिड उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। फे के पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो फिर से गॉड ऑफ डेथ को समन करती है और वो आ जाता है। फे सबको उसकी तरफ देखने से मना करती है क्योंकि अगर किसी ने उसकी आंखों में देख लिया तो वो उसकी सोल ले जाएगा। फे उससे ये सब यहीं एंड करने के लिए कहती है, बदले में वो उससे एक सेक्रीफाइस मांगता है। डंकन कहता है कि सिर्फ 2 मिनट्स बचे हैं और वो आराम से बच सकते हैं। तब गॉड ऑफ डेथ उसे कहता है कि इस कमरे में मौजूद सभी लोगों को मारने के लिए 2 मिनट बहुत ज़्यादा हैं। फे खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी, तभी एलिस अपनी गर्दन घुमाती है और उस गॉड की आंखों में देख लेती है। अपनी सादत को वो आज बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही होगी। क्यूपिड उसे मार देता है और वो उसकी सोल ले जाता है। यहाँ सेक्रीफाइस भी पूरा हो जाता है और 12 भी बच जाते हैं। क्यूपिड वहां से चला जाता है। अब ये इस मूवी की परफेक्ट एंडिंग थी, लेकिन और कुछ एक्स्ट्रा जोड़कर इसे खराब कर दिया। अचानक एलिस उठ जाती है और डर के मारे फे उसके मुंह पर बुक दे मारती है जो कि उस एरो पर लगती है और वो मर जाती है। इसके बाद हेलेन मैट को हॉस्पिटल लेकर जाती है। फे डंकन से माफ़ी मांगती है और तभी डंकन उसे किस करता है। अब अचानक फे के लव स्पेल्स काम करने लगे थे और यहाँ ये मूवी एंड होती है। तो एंड में इतना क्रिंज ऐड करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे समझ नहीं आया। मूवी अच्छी खासी जा रही थी और अच्छी खासी एंड भी हो जाती, लेकिन पता नहीं एंडिंग में ऐसा ट्विस्ट क्यों दिया गया।
मूवी अभी न्यू है इसलिए इसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और ये डायरेक्ट डीवीडी पर रिलीज हुई थी इसलिए इसकी ग्रॉसिंग की भी कोई रिपोर्ट नहीं है। डीवीडी पर रिलीज होने की वजह से इसे बहुत ही कम रीच मिल पाई और ज्यादातर लोग इसे नहीं जानते। इसे उसी स्टूडियो ने बनाया है जिसने रूम फॉर रेंट मूवी भी बनाई थी। ये स्टूडियो अपनी मूवीज के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, जो कि अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो ये मूवी ओके है। मैक्सिमम मेनस्ट्रीम मूवीज भी आजकल बहुत बेकार आ रही हैं और उनके कंपैरिजन में ये ठीक ठाक है। अब बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग और यूनिक मूवीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि हैलोवीन किल्स मूवी जो कि इसी साल अक्टूबर में रिलीज होने वाली थी उसे अब नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में शिफ्ट कर दिया गया है, और पर्ज 5 भी अगले साल पर शिफ्ट हो गई है। तो ये दोनों बहुत ही सैड न्यूज़ हैं। और अगर आप सभी मूवी न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मूवी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है हिंदी में, तो आप वहाँ से इस मूवी को बड़े आराम से देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।